क्या आप भी रहते हैं अपने स्किन और बालों को लेकर परेशान? तो आज ही आइए SMS फार्मेसी और मिलिए डॉक्टर BK शास्त्री, जिनसे मिलेगा आपको त्वचा और बालों से जुड़ी हर समस्या का समाधान। तिल, मस्से एवं गुप्त रोगों का विशेष इलाज किया जाता है। हमारा पता है कॉन्वेंट चौराहे के बगल में अटल सामुदायिक भवन के सामने, बिलौजी बैरन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 7000523918900939665। मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस समय जो हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के निगाही DBL कंपनी के बाहर खड़े हैं। यह जो माइंस का इलाका है, यहाँ पर जो है विवाद हुआ है, बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग हुई है। उसके बाद हवाई फायरिंग के बाद जो है मजदूरों ने पत्थरबाजी की है। आखिर कारण क्या है, आइए और जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो बता दें, हम एक बार बोलेंगे कैमरामैन को थोड़ा सा घुमा के दिखा दें सब। और यहाँ पे जो है पुलिस बल भी मौजूद है और यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है हवाई फायरिंग करने वाले जो लोग थे, जो फायर किए हैं, वो भी मौजूद हैं। बहरहाल आइए पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आखिर जो विवाद हुआ क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रवि कुमार केवट, मैं सीधी जिला का रहने वाला हूँ। क्या हुआ, विवाद का कारण क्या था? सर, यहाँ पे ये है कि सर यहाँ से जो है तो ट्रांसफ़र किया जा रहा है और NOC भरा जा रहा है। ड्राइवरों को, वर्करों को गाली मिलती है, छोटी मोटी बात पे निकाल देते हैं ये लोग। और सर, मैं यहाँ पे खड़ा था जो है तो बताइए, मतलब कि मेरे ऊपर फायरिंग किया गया, बगल से गोली मेरे निकल गई है और फिर सिक्योरिटी वाला गोली चलाया और फिर भाग गया, सब लोग भाग गए, GM PM। कितने राउंड फायरिंग? सर, तीन राउंड। तीन राउंड, जी सर। कितने बजे हुई है? सर, 6:30 बजे। 6:30, जी सर। कारण क्या हुआ कि हवाई फायर करना पड़ा? सर, सब लोग पत्थरबाजी पीछे से कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड वाला जो है तो फायरिंग किया और मैं यहाँ पे खड़ा था और मेरे ऊपर फायर भी किया, बगल से गोली निकल गई है और सिक्योरिटी गार्ड वाला भाग गया। पहले पत्थरबाजी हुआ कि फायर हुआ? पहले सर फायर हुआ है, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई है। जी सर। क्या नाम है आपका? हमको नहीं आता है? नहीं जानते हैं? नहीं जानते, हम पीछे थे उधर, बराबर देखे ही नहीं पीछे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिन हुसैन है सर। ये फायर के विषय में क्या बोलेंगे, क्यों हुआ सर, कारण क्या था? क्या समस्या है बताओ भाई। सर, कारण क्या है कि हर बात पर NOC भर रहा है सर और ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ से लोकल लोगों का ट्रांसफर कर रहा है कंपनी। और फिर मान लीजिए कि जो किसी को जब भर्ती बंद हो गया है तो भर्ती लेना भी नहीं चाहिए, जब आपके पास स्टाफ हो गया है तो स्टाफ भी फुल हो गया है और इधर से भर्ती ले रहा है, इधर से ट्रांसफर भी कर रहा है, NOC भी दे रहा है। तो सर, हाँ सर, अपना गांव छोड़ के हम लोग बाहर जाएंगे और सरकार ये कह रही है कि क्वारंटाइन में डिस्टेंस बनाए रखें और अपने गाँव में ही रहें, अपने घर में ही रहें। तो सर, अब यहाँ घर से अगर बाहर भेजेगी कंपनी तो हम लोग कहाँ जाएँगे सर, और उधर जाएँगे पता नहीं कहाँ भेजेगा, महाराष्ट्र भेजेगा कि गुजरात भेजेगा कि आंध्रा भेजेगा कि कहाँ भेजेगा सर, कोई पता नहीं है। अभी हम गांव छोड़कर ड्यूटी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रहना अच्छा पसंद करेंगे कि हम बाहर में रहना पसंद करेंगे। अभी जैसा बोला जा रहा था कि खैरागुड़ा में यहाँ के जो वर्कर्स जो काम किए हैं वहाँ जाके, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो क्या है, उनका भी ट्रांसफर होगा क्या, उसमें क्या बोलना चाहिए? मध्य प्रदेश का निवासी जो भी वर्कर, चाहे खैरागुड़ा में काम किया हो चाहे कहीं किया हो, आज वो यहाँ काम कर रहा है वो खैरागुड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कंपनी का कहना तो यही है, कंपनी का तो कहना ही, अगर वो खैरागुड़ा से काम करके यहाँ आया कंपनी, उसका ट्रांसफर किया जाए। अगर कंपनी इस बात पे रिजिट होगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बात देंगे। और क्या बोले, जो अभी क्या आश्वासन मिला अभी जिसको बिना कारण के छोटे मोटे कारण पे बैठा दिया गया था, उनको जिनको ट्रांसफर दिया गया था उनको वापस काम पे लिया गया। उसके लिए लिखित वगैरह दिए? लिखित लेंगे, अभी अपनी मांग पत्र बना रहे हैं, उसके बाद उनको लिखित उनसे हम लोग आश्वासन लेंगे। कुल कितने लोगों का ट्रांसफर किया गया? लगभग 20 लोगों का ट्रांसफर किया गया था, लिस्ट 50 की बनी है, ट्रांसफर 20 का किया गया। उसमें लोकल कितने हैं और बाहर के कितने हैं? लगभग सभी लोकल हैं, 2-4-5 होंगे। कारण क्या है कि आखिर उनको ट्रांसफर किया गया कंपनी की तरफ से? कंपनी की पॉलिसी होती है कि जो स्थानीय लोग होते हैं, जो अपने मांगों के लिए जागरूक होते हैं और अपना दबाव बना पाते हैं, तो कंपनी की पॉलिसी होती है कि जो बाहर जाएंगे वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे, अपने मनमानी ढंग से लोग उससे काम लेते हैं और यही यहाँ भी पॉलिसी अपनाना चाह रहे हैं, यहाँ के लोग जागरूक है, ऐसा होने नहीं देंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर मान लिया जाए उनका ट्रांसफर जो है, एक मतभेद को रखते हुए कि मतलब यहाँ से हटाया जा रहे, यही माना जाए उसको? बिल्कुल बिल्कुल, और कोई कारण नहीं, कारण नहीं। चलिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से यहाँ के वर्करों को जो है टॉर्चर किया जाता है, बाकायदे ट्रांसफ़र किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो खैरागुड़ा से लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के लोग जो खैरागुड़ा में काम करते हैं उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलो, एक मिनट, सारे कर्मचारी और सारे नेताजी लोग मेरी बात सुन लो। अभी नहीं रहेगा, रखिए, अभी नहीं।
देश बार बार एक ही मुद्दे पे बातचीत करके माहौल को अनावश्यक बिगाड़ा ना जाए। आपको भी कंपनियों में काम करना है, दोस्त आपको भी यहीं आपसे काम लेना है। दूसरी चीज, स्थितियां अगर अच्छी रहेंगी तभी तक हम आपका साथ दे पाएंगे। जानबूझ के माहौल को गड़बड़ ना किया जाए। घोष साहब, ये जो आश्वासन चाहते हैं, माइक से सभी को आश्वासन दीजिए कि किसी को भी अनावश्यक ट्रांसफर नहीं भेजा जाएगा और सभी जाके अपना काम करें। लेकिन एक लाइन और मैं जोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से, जो गुंडागर्दी करेगा, अधिकारियों से मारपीट करेगा, काम में कंपनी का नुकसान करेगा, वो फिर बर्खास्तगी का दावेदार भी रहेगा। ठीक है ना भाइयों? बिल्कुल। यहाँ से सुनो, जितना भी आदमी है जो ये था, क्या नाम है उसका, ट्रांसफर वाला, उसको हम दे दे रहे हैं ड्यूटी। लेकिन 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 आप लोग अपना काम पूरा ईमानदारी से करोगे, ऐसा नहीं सोचोगे कि हम लोकल आए तो हम यहाँ पे जो चाहिए वो करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं हो नहीं रहा है ना, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब स्लो कर दे रहा है, मेरा प्रोडक्शन स्लो हो रहा है। क्यों भाई, काम अच्छा करोगे? हाँ बोलो, बोलो ना, चलो गाड़ी में बैठो, यही बातें पूरी हो गई। चलिए चलिए, अभी सेफ्टी से प्रोडक्शन भी देना है, प्रोडक्शन भी देना है, सेफ्टी को देखना है। सेफ्टी का ना उल्लंघन होगा ना प्रोडक्शन का उल्लंघन होगा, सब कुछ करना है। आप लोगों देखिए, ये नौकरी से मेरा भी घर चलता है, आपका भी घर चलता है, ना आपका दिक्कत हो ना मेरे को दिक्कत हो। आइए हम सीधे जुड़ते हैं डीबीएल निगाही के जीएम से समीर घोष के साथ जी, और बताएंगे कि जो वारदात हुई है और उसकी पुष्टि भी करेंगे कि फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले तो अपना नाम बताइए। सर, मायसेल्फ समीर कांति घोष, हम डीबीएल में जीएम पोस्ट में का जॉब है। तो यहाँ पे जो फायरिंग का खबर आया है, कुछ मीडिया में आया था, वो टोटली झूठा है। हम लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है, हम लोग कोई फायर नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का जो गेट में सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा में पूरा कैद है, आप चाहो मैं का दिखा सकता हूँ। और उस टाइम पूरा तीनों एक शिफ्ट का पूरा आदमी भी था, करीबन 200-300 आदमी, तो वो लोग भी आवाज़ मिलता, किसी को कोई आवाज़ नहीं मिला, ना कैमरा में कुछ रिकॉर्ड है, तो फायर कैसे करेंगे? सिक्योरिटी के पास तो गन रहता है, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग द गन। इससे भी ये हुआ कि आप लोगों पर पत्थर भी बरसाए गए हैं क्या? अभी पत्थर एक ड्राइवर था जो हम लोगों का गाड़ी एक्सटेंड कर दिया था, करीबन 4-5 लाख रुपए लॉस करा दिया था, उसको कंपनी के पॉलिसी हिसाब से हम लोग बाहर कर दिए थे। वो आके मेरा जो व्हीकल इंचार्ज है, मेरा जो मैकेनिकल इंचार्ज है, उसको पीटा है, हमको ही पत्थर से मार रहा था, तो हम दौड़ते दौड़ते मेरे कमर में भी दर्द हो गया, कमर में बहुत दर्द लग गया, अभी मैं खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि सर, जो सारा विवाद हुआ है, इसका कारण क्या था? कारण वही आदमी उसका है, जो आदमी को हम लोग एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर गाड़ी का, वो गाड़ी का उसका गलती से मेरा जो टिपर है, 1 करोड़ का टिपर होता है, एक जो टिपर है कॉस्ट, उसमें 5 लाख का लॉस करा दिया। तो कंपनी का पॉलिसी है कि जो आदमी एक्सटेंड करेगा उसको कंपनी से बाहर करना है। जैसा भी अभी कहा जा रहा था कि ट्रांसफर को लेकर पूरा विवाद हुआ, उसके विषय में क्या बोले? नहीं, ट्रांसफर वाला विवाद तो था, उस पर हम लोग बात भी कर रहे थे, लेकिन बीच में ये आदमी आके पूरा माहौल को खराब कर दिया, करके हम लोग के ऊपर पत्थर बरसाने लगा, मारने लगा, मेरे दोस्त आपको बहुत जोर से मारा है, वही इसको लेकर कंप्लेन कहीं दर्ज कराए थाने वगैरह में? हाँ हाँ, अभी तो पुलिस को बुलाया है, अभी कंप्लेन करेंगे ना, तुरंत करेंगे, अभी टाइम कहाँ मिला हमको। और कितने लोग हैं लगभग जिन पर कंप्लेन होगी? वो देखना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा, अभी लगभग कुछ देख के बोलेंगे, होगा 4-5 आदमी होगा। चलिए, हमारे साथ समीर कांत घोष जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि जो फायरिंग है उसको सिरे से खारिज किया है और यहाँ पे जो है पुलिस भी मौजूद है। आइए कुछ लोगों से और जुड़ते हैं, उनसे भी बात करेंगे और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जीपी पैलेस ऑफरिंग यू फॉर द पार्टी, लंच, डिनर एंड स्टेइंग सर्विस विद अफोर्डेबल प्राइस। मनाइए खुशियों के रंग जीपी पैलेस के संग, जहां आपको मिलता है बर्थडे, रिंग सेरेमनी, एनिवर्सरी, मैरिज और भी पार्टियों के बेहतरीन इंतजाम। सो बुक योर पार्टी नाउ। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें विंध्यनगर वेलहन रोड, वेलहन सिकरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो। आइए जुड़ते हैं मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी जी, यहाँ पे आए हैं। सर, क्या समाधान निकला? सर, एसडीओपी साहब बताइए। समाधान निकला है, इन किसी भी कर्मचारी के साथ नाजायज उनके हकों को नहीं छेड़ा जाएगा, और जो कर्मचारी जानबूझ के सही काम नहीं करते उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो इनकी प्रशासनिक प्रक्रिया है वो करेंगे।
चलिए जैसा था, और हमारे साथ एसडीओपी साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब मजदूरों को क्या आश्वासन दिया गया है। मजदूरों के बीच जो विषय है उनका कि उनका नाजायज ट्रांसफर किया गया है, तो जिस प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किया गया उसमें संभावित जो संभावनाएं हैं उनको तलाशा जा रहा है। इसके अलावा जो गलत ट्रांसफर हुए उनको कैंसिल कराने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, और जो वैधानिक कार्रवाई होगी मारपीट की उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जैसा कि आज बताया गया सुबह सुबह फायरिंग हुआ है, फिर उसके बाद मजदूरों ने पत्थर बरसाए हैं अधिकारियों पर, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, फायरिंग के लिए सबसे पहले हमारे एक प्रोसीजर होती है कि पहले पॉइंट क्लियर करना होता है, उसके लिए हम जो हमारी FSL की टीम है उसको हम बुला के बाकी चेक करा लेंगे। फायरिंग में कार्बन पेपर वगैरह आ जाता है तो उससे हम क्लियर करा लेंगे फायरिंग हुई है कि नहीं, आरोप लगाए गए हैं उसकी जाँच कराएंगे। चलिए, हमारे साथ मोरवा एसडीओपी राजू पाठक जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया है। चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं। कुमार स्टेडिंग कंपनी प्रेजेंट्स बैट्स मोडकॉप, ऑथराइज डीलर ऑफ 23 इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां मिलेगा आपको 23 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आकर्षक रेंज, बेहतरीन फीचर्स एंड क्वालिटी का धमाका। तो अपने पैसे पेट्रोल में क्यों गवाएं, इलेक्ट्रिक वाहन आज ही अपने घर ले आएं, हर गाड़ियों में पाएं आकर्षक छूट। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें, हमारा पता है गजभोजन फिलिंग स्टेशन के सामने वैरन सिंगरौली मध्य प्रदेश, कॉन्टैक्ट नंबर 9424944194 9893874194। चलिए आइए अब जानने का प्रयास करते हैं, जो सुबह फायरिंग हुई है और पत्थरबाजी है, क्या कंपनी उन लोगों पर वर्करों पे मुकदमा कायम करवाएगी कि नहीं, आखिर क्या निर्णय लिया गया है? पहले तो आइए जुड़ते हैं सीधे जो काम कर रहे हैं उनके नेता हैं राजू सिंह, उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या निकला, बीच में जो समन्वय और जो मध्यस्थता हुई किस बात को लेकर हुई, जो सुबह फायरिंग हुआ और पत्थरबाजी हुआ उसी विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब मैं शुरू से बताना चाहूँगा, जहाँ पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और देश के प्रधानमंत्री का ये नारा है वोकल फॉर लोकल में ही आपको रोजगार दिया जाएगा, काम की व्यवस्था की जाएगी, इस कंपनी में पिछले 8 महीने से जूते घिस करके जिन मजदूरों को काम मिला उनका इस कंपनी प्रबंधन के द्वारा NOC भरा जा रहा और ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसका ये वर्कर विरोध कर रहे थे। आज सभी वर्कर एक होकर के कंपनी प्रबंधन से बात करना चाहे कि हम लोगों को, जब हम लोग स्थानीय हैं, यहीं के निवासी हैं, पिछले 15 साल से इसी जगह काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को बाहर न भेजा जाए। बातचीत बढ़ी, कंपनी प्रबंधन वाले गाली गलौज देना शुरू कर दिए, उसी बीच इनका कोई सिक्योरिटी गार्ड है वो आकर के हवाई फायर किया, कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जिनके बगल से गोली। फायर कितने राउंड हुआ? 3 राउंड हुआ। आपको पता कैसे चला? हमको यही लोग फोन किए, जब फोन पे बात हो रही थी उसके बाद फोन में भी आवाज आई, एक फायर हमसे बात करते करते वर्कर से फिर एक फायर हुआ। अभी जो बीच में जो अभी हुआ कि जो मुकदमा कायम होगा वर्कर को, अब ये समस्या ये है कि सरकार और पुलिस जनता के लिए है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे और प्रबंधन हो, वो कंपनी मैनेजमेंट के पक्ष से बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं, सरकार जनता के लिए है, कंपनी भी जनता के लिए है, बैठ के बात करेंगे। अगर FIR की बात आती है तो कुछ ऐसे हरिजन आदिवासी हैं जिनको जातिगत घोष के द्वारा नाम लेके गाली दिया गया, एक बस और है तेजबली, उसको एक डंडा मारे, उसका पैर सूजन हो गया है, इधर से भी FIR होगा, इधर से मुकदमा कायम कराया जाएगा, अन्याय न सहेंगे न करेंगे। आखिर कारण क्या है जिसे अभी बीच में अभी जस्ट भीड़ में ही बात हो रहा था कि न भागने दिया जाता है ना मुतने दिया जाता है, पीछे की रफ्तार में खदान के अंदर में वाहन चलते हैं जबकि गति सीमा जो है 20 से 30 की है, उसके विषय में क्या बोलेंगे? बहुत सही सवाल किया है आपने। यहाँ के जो वर्कर हैं इतने भोले और मासूम हैं, यहाँ सिंगरौली ज़िले में लगभग 7 OB कंपनियाँ संचालित हैं, किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी में इस तरह की शिकायत नहीं है, कहीं प्रबंधन असंतुष्ट नहीं है या वर्कर असंतुष्ट नहीं है, ये पहली कंपनी है, इनका मानना ये है, ये दुष्प्रचार करते हैं, सच्चाई क्या है पता नहीं, कि ये शिवराज सिंह की कंपनी है, हम जैसा चाहेंगे प्रशासन हमारे मुट्ठी में है। अगर टायर पंचर होता है तो कोई जवाबदारी देगा कि टायर पंचर नहीं होगा? टायर पंचर होता है तो बिठा देते हैं, कोई पेशाब कर रहा है तो उसको गाली देते हैं, चाय पीने उतर गया उसको गाली देते हैं, ऐसा हो रहा है। अभी सभी वर्कर जागरूक हैं, सब एक हो रहे हैं, हम सब इसका विरोध करेंगे, मांग पत्र रखेंगे, कंपनी नहीं मानती तो न काम करेंगे न करने देंगे। आखिर इतना जो प्रताड़ित करने का कारण है क्या है? अब ये कहीं ना कहीं से सरकार, अब ये मानते हैं कि हमारी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शेयर है, पार्टनर है, कंपनी वालों का कहना है, हमें नहीं पता, शायद इसी वजह से समर्थन मिल रहा है इनको प्रशासन का।
चलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल अभी खड़े हैं और उन मुद्दों पे अगर बात करेंगे तो काफ़ी एक लंबा समय इनके लिए बीत जाएगा। बहरहाल जो बीच बीच में लोकल भाषा आया है, यहाँ के हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं लोकल, इसलिए लोकल भाषा का इसमें उपयोग किया गया। बहरहाल कैमरामैन अमित सिंह के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद। अपने सपनों को जिए खुल के नारायण ऑडियो के साथ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ओल्ड स्टूडियो आइटम जैसे माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर, साउंड सिस्टम, वायरलेस और भी बहुत कुछ। साथ ही ऑथराइज्ड डीलर ऑफ आहूजा स्टूडियो मास्टर एंड JBL। आज ही हमसे कांटेक्ट करें, हमारा पता है नियर गंगोत्री लॉज सिंगरौली, मोबाइल नंबर 9826822124। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।